पे आज कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी देश लेवल पे वो आदमी लड़ रहा है और एक बड़ी शक्ति ताकत के सामने लड़ रहा है। और देश लेवल पे उन्होंने जितनी जो क्षेत्रीय पार्टियां थी, इन सारी क्षेत्रीय पार्टियां, कोई राष्ट्रीय पार्टियां, उन सारे को एकजुट करके ये कहा गया है कि हमको लोकतंत्र बचाना है। उनको ये, उन्होंने ये नहीं कहा है कि हमें सरकार बनानी है, उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र को बचाना है, देश की जनता के भावना के अनुरूप हमको सरकार बनानी है, उनका ये उद्देश्य है। तो यहाँ पर भी हम लोग भारत आदिवासी पार्टी के तहत स्वतंत्र चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, बड़े पदाधिकारी के रूप में जो नेता थे, वो आज बीजेपी में चले गए। कई कांग्रेस के जिला लेवल के पदाधिकारी हैं, पार्षद हैं, जिला उपाध्यक्ष है, पूर्व जिला अध्यक्ष, सारे कांग्रेस बीजेपी में चले गए कांग्रेस के लोग। तो कांग्रेस के लोगों को कहा है कि आपको सच में लोकतंत्र बचाने की, आप देश लेवल पे जो बात कर रहे हो, राहुल गांधी जी जो बात कर रहे हैं, यहाँ के लोकल लीडर अगर राहुल गांधी को मानते हैं, उनको अपना नेता स्वीकार करते हैं, तो ये गठबंधन करें, और गठबंधन करके जो कांग्रेस के साथ धोखा करके गया है, जो लोकतंत्र को खतरे में पहुंचाने की बात कर रहा है, जो धर्म के नाम से राजनीति कर रहा है, उनको सबक सिखाना है, तो कांग्रेस के लीडर हमको समर्थन दे, हम स्वीकार करेंगे, उनका धन्यवाद अर्पित करना चाहेंगे। लेकिन वर्तमान में स्थिति मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी कुछ लोग बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, आज भी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए गठबंधन वाली स्थिति बनने नहीं देंगे। लेकिन फिर भी हमें खुशी इस बात की है कि कांग्रेस के कई पदाधिकारी, कई नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी के भी कई पदाधिकारी, कई नेता को लगा कि सच में बीजेपी हाईकमान मनमानी कर रहा है, तानाशाही कर रहा है, लोकतंत्र के खिलाफ है वो, इसलिए बीजेपी के भी कई लोग हमारे साथ हैं और अवश्य ही चुनाव शानदार तरीके से जीतेंगे।